राम राम किसान भाइयों। किसान भाइयों, हम आज बात करेंगे बायर क्रॉप साइंस लिमिटेड कंपनी की एक दवा आती है जिसका नाम एलिएट है। ये किस फसल में और इसका प्रयोग क्या है, किस लिए आती है और इसकी मात्रा कितनी है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, हम आपको आज एलिएट के बारे में बता रहे हैं कि आप एलिएट दवा जो कि बायर क्रॉप साइंस लिमिटेड कंपनी की आती है, आप इसको यदि आपके फसलों के पौधे जमीन के ऊपर से सूख रहे हैं, काले पड़ के सूख रहे हैं, आप जब फसलों के पौधे को निकालते हैं तो आप देखते हैं कि जमीन के बराबर से और पौधे की सबसे निचली सतह जो जमीन में छुई हुई होती है जड़ों के ऊपर और जमीन के बराबर से आप देखते हैं पौधे काले पड़ जाते हैं। तो जो पौधे काले पड़ जाते हैं इसे उकठा रोग कहते हैं, और काले पड़ने के बाद में ये पौधे पूरी तरह से सूख जाते हैं। तो यदि इनकी रोकथाम आप करना चाहते हैं या आपकी ऐसी कोई फसल है जैसे मिर्च की फसल में, बैंगन की फसल में या अन्य और कई फसलें आती हैं जिनमें ऐसी स्थिति पैदा होती है कि जमीन के ऊपर से अर्थात जड़ों के ऊपर और ये बिल्कुल ज़मीन से सटे हुए रहते हैं, वहाँ का आप देखेंगे जो तना है वो तना चारों तरफ से पूरी तरह से काला पड़ चुका है, उसकी जो ऊपरी परत होती है वो और अंदर की जो भी परत है वो सारी परतें काली पड़ जाती है, और काली पड़ने के बाद में इनकी भोजन जो होती है, श्वसन क्रिया जो होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है, वो काली पड़ने की वजह से, तना काला पड़ने की वजह से वो सारी क्रियाएं बाधित हो जाती हैं और जिससे पौधे कमज़ोर होने लगते हैं और स्वतः सूख जाते हैं। तो यदि आपके फसलों में ऐसी कोई स्थिति है तो आप बायर क्रॉप साइंस प्राइवेट कंपनी का जो कि एलिएट नाम से दवा आती है, आप इसका 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर आप एक किसी बड़े पात्र में या बर्तन में घोल बना लें, और उसके बाद में आप इसका आप अपनी खड़ी फसल पर डंचिंग कर सकते हैं। डंचिंग का मतलब है आप अपने मशीन की स्प्रे मशीन जो है उसकी नोजल को ढीला कर दें और पौधों की जड़ों पर जहां पर वो काला जो काला काला तना के पास में काला धब्बा बन जाता है, जो काला हो जाता है तना, वहीं पर आप डालते जाएं। प्रत्येक पौधे पर लगभग 250 से 300 ml पानी आपको डालना होता है, और इसको डालने के पश्चात आपकी फसलों जो है वो उकठा रोग से बच सकती हैं। यदि आप एलिएट का प्रयोग करते हैं तो आप अपनी फसलों को नुकसान होने से बचा सकते हैं, पौधे सूखने से बच सकते हैं। आप इसको जो मात्रा है वो 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना लीजिए और मशीन की सहायता से आप डंचिंग कर दीजिए। यदि डंचिंग करने में कोई असुविधा हो रही है कि आप पर्याप्त मात्रा में जो मात्रा बताई जा रही है इसके हिसाब से आप मशीन से डंचिंग करेंगे तो पानी कम ज़्यादा हो सकता है, तो आप कोई पात्र ले लीजिए 250 से 300 ml का, और उसकी सहायता से आप 300 ml पानी प्रत्येक पौधे की जड़ पर आप डालते जाइए तो आपकी उकठा रोग की समस्या रुक सकती है और आपके पौधे सूखने से बच सकते हैं। ये मुख्यतः जैसे आपका मिर्च हो गया, मिर्च की फसल में बहुत अधिक लगता है इस समय, मिर्च की फसल के बाद में आपका बैंगन की फसल हो गई, बैंगन की फसल में भी उकठा रोग बहुत तेज़ी से लगता है, उसके बाद में अन्य कई फसलें हैं, ये कभी कभी भिंडी में भी लग जाता है। तो आप बायर क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एलिएट दवा लाकर आप अपनी फसल को उकठा रोग से बचा सकते हैं। जो तना काला हो जाता है इस समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो आप बायर कंपनी का एलिएट 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर डंचिंग कीजिए, आपकी फसलें जो भी सूख रही होंगी वो बच जाएंगी और आप भारी नुकसान से बच जाएंगे। यदि ऐसी कोई समस्या है आपके फसल में तो
तो आप बायर कंपनी का एलेट लाकर उसका प्रयोग जरूर करें। किसान भाइयों, यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।